हेलो फ्रेंड्स, मैं भुवन तड़ागी, द लॉ टॉक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एप्लीकेबल फॉर सीएस स्टूडेंट्स, जो कि एप्लीकेबल हो गया है 3 फरवरी 2021 से। फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन के बाद जितने भी स्टूडेंट्स अब रजिस्टर होंगे या फिर अर्लियर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर्स में रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए ये न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एप्लीकेबल हो चुका है फ्रेंड्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं कि न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है क्या। फ्रेंड्स, ICSI ने ट्रेनिंग को 3 भागों में बांटा हुआ है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका आता है EDP, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि आप एग्जीक्यूटिव पास करने के बाद ही कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इसको भी फर्दर 2 हिस्सों में बांटा है इसने। 15 दिन का आपका ऑनलाइन मोड में आपको ट्रेनिंग करनी है, मींस आप स्टिमुलेट साइट पे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ₹2000 की फीस आएगी आपकी। ई लर्निंग पोर्टल के थ्रू आप EDP कर पाएंगे, जो कि कितने दिन का रहेगा, 15 दिन का रहेगा। और 15 दिन का आपका क्लासरूम मोड रहेगा, जो कि आपके रीजनल सेंटर्स चैप्टर्स में फिजिकली EDP होगा। तो ये दोनों मिला के हो गया 1 मंथ का। आप चाहे तो ये दोनों एक साथ भी कर पाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे ही आप ये करेंगे, उसके बाद जाकर आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो कि आपका 21 मंथ्स का रहेगा, या तो आप किसी कंपनी में या फिर आप किसी फर्म में ट्रेनिंग कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द EDP ऑफ 1 मंथ। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही आप 21 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि अब किसी भी स्टेज में आप हो, चाहे फाइनल में हो चाहे एग्जीक्यूटिव में हो, आपको 21 मंथ की ही ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद जाकर आप CLDP, जो कि 30 डेज या फिर 60 डेज, मतलब 30 डेज मिनिमम और मैक्सिमम 60 डेज का होगा, जो कि ICSI बताएगा कि कितने डेज का रहेगा, अभी फिक्स नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपने प्रोफेशनल भी पास कर लिया है और ट्रेनिंग भी आपकी कंप्लीट हो गई है, तो आपको CLDP करना पड़ेगा आफ्टर द प्रोफेशनल प्रोग्राम, जैसे कि पहले होता था MSOP, अब CLDP होगा। उसके बाद उस CLDP के सर्टिफिकेट को आप स्टिमुलेट साइट पे अपलोड करेंगे, उसके बाद जाकर ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट मानी जाएगी। फ्रेंड्स, तो कुछ क्वेरीज भी है ट्रेनिंग को लेकर, और ICSI ने FAQ भी जारी की है। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं FAQs और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टेकअप कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि EDP जो है आप 30 डेज़ की हो गई है, 15 डेज़ के आपका क्लासरूम EDP है और 15 डेज़ की आपकी EEDP है, मतलब ऑनलाइन मोड में है। फ्रेंड्स, ठीक है, क्या 15 डेज़ की EEDP और क्लासरूम EDP जो है, क्या एक साथ कर सकते हैं? आंसर इज येस, आप एक साथ भी कर सकते हैं दोनों EDP को एक साथ, राइट। उसके बाद कहता है, अगर किसी ने पहले ही 15 डेज की जो EDP है वो अर्लियर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में एकेडमिक प्रोग्राम में किया हुआ है, तो क्या न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में उसको EDP से एग्जेम्पशन मिलेगी? हाँ, क्लासरूम EDP से एग्जेम्पशन मिल सकती है, लेकिन आपको जो एकेडमिक प्रोग्राम का कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो आपको स्टिमुलेट साइट पर अपलोड करना पड़ेगा, लेकिन आपको EDP तो करनी पड़ेगी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले। फ्रेंड्स, ठीक है, उसके बाद कहते हैं कितनी फीस लगेगी आपके EDP की, ₹2000 आपको फीस लगेगी, और कहाँ पे आपको सबमिट करना है, कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, स्टिमुलेट साइट पर आपको अप्लाई करने को रहेगा। फ्रेंड्स, ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछता है कि कितनी लीव्स अलाउड होगी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, जो 21 मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग है, तो 21 मंथ्स में आपको 52 लीव्स अलाउ होगी। तो आप अर्लियर ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में आप ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, ओल्ड स्ट्रक्चर में मान लो आपकी 15 मंथ्स की ट्रेनिंग है या 24 मंथ्स की ट्रेनिंग थी, आप ऑलरेडी कुछ टाइम कर चुके हैं, तो क्या आप कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ, लेकिन अगर आपने ट्रेनिंग बीच में ड्रॉप कर दी है, मींस आप स्विच करना चाहते हैं, तो उस केस में आपकी 21 मंथ्स माइनस में जितने मंथ्स आपने कर ली होगी ट्रेनिंग, उतने मंथ्स जो बचेंगे वो मंथ्स आपको नए वाले ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में करना पड़ेगा, और आपके ऊपर न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एप्लीकेबल हो जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने आप ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में थे, जहाँ पे आपको 15 मंथ्स की ट्रेनिंग करनी थी, आपने 6 मंथ्स कर लिए, लेकिन अब आप स्विच करना चाहते हैं या आपने ड्रॉप कर दी है, तो 21 माइनस में 6, 15 मंथ्स की ट्रेनिंग आपको और करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, राइट, और साथ में 15 डेज का आपका EDP और 15 डेज की क्लासरूम EDP भी करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, ठीक है, अगर आपने एकेडमिक प्रोग्राम किया हुआ है तो 15 डेज का उसका एग्जेम्पशन मिल सकता है आपको। ठीक है, और फिर क्वेश्चन है आपका
की भी आपने रजिस्ट्रेशन कभी भी करवाया हो, आपने 2014 से पहले करवाया हो, बाद में करवाया हो, लेकिन 3rd of February 2021 के बाद आपको न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर एप्लीकेबल हो जाएगा, चाहे एग्जीक्यूटिव में हैं या आपने प्रोफेशनल पास कर लिया है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कितने दिनों में आपको अपॉइंटमेंट लेटर या ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट आपको सबमिट करना रहेगा ICSI को, तो ये है 100 डेज। अगर आप नहीं करेंगे तो इंस्टीट्यूट आपकी ट्रेनिंग को डमी ट्रेनिंग मान लेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और कितना ICSI ने स्टाइपेंड जो है वो निर्धारित किया हुआ है, मिनिमम जो है ICSI कहता है कि PCS फॉर्म है तो 3,000 रुपये देगी, और अगर कंपनी या कोई अदर एंटिटी है तो वो 4,000 रुपीज़ पर मंथ, ये मिनिमम क्राइटेरिया ICSI ने दिया है, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है फ्रेंड्स। और हाँ, साथ में जो पेबल होगा स्टाइपेंड वो ऑनलाइन मोड या फिर चेक से होगा फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि वर्किंग आवर्स कितने रहेंगे ट्रेनिंग के, मिनिमम 8 आवर्स फॉर 5 डेज या फिर 40 घंटे अ वीक, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कि कितने ट्रांसफ़र अलाउड है आपको, ठीक है, मैक्सिमम 2 ट्रांसफ़र अलाउड है, लेकिन 45 डेज का नोटिस पीरियड आपको देना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आपका है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैंडिडेट को सबमिट करनी होती है एट द टाइम ऑफ CLDP, ठीक है, जो आपका थर्ड स्टेज है, वहाँ पे एक्सपर्ट का पैनल होगा, वहाँ पे वो एसेस करेगा उसको, और साथ में आपका वाइवा भी हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। क्वार्टरली रिपोर्ट जो होती है वो सबमिट करनी होती है ट्रेनर को, ठीक है, कितने दिनों में ट्रेनर को सबमिट करनी होती है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंडिंग ऑफ क्वार्टर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं CLDP की। CLDP क्या है, कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, जो कि आपका फाइनल स्टेज है ट्रेनिंग का, ठीक है। आपके प्रोफेशनल आपने पास कर लिया है, ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो गई है, तो आपको CLDP करना पड़ेगा, जैसे अर्लियर में MSOP होता था फ्रेंड्स, ठीक है। जब भी आप ACS, उसी के बाद आप अप्लाई कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये था आपका ट्रेनिंग का FAQs। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियोज़ के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।